अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। क्या हाल चाल है सब गाइस? ठीक ठाक है? हम लोग कैसे जा रही है मेरी वीडियोस, और आप उसको लिसन कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, इसके ऊपर कुछ कुछ प्रोजेक्ट कर रहे हैं? तो प्लीज़ काइंड मुझे इनबॉक्स में बताएं, मुझे यूट्यूब पे मैसेज करें, कमेंट करें, तो मुझे पता चलेगा। आज की वीडियो को थंबनेल में मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर भी गिवन करूँगा, तो आप उस पर इंशाल्लाह आएँ, मुझसे बातचीत करें, तो हम आपके साथ कोऑपरेट करेंगे, ठीक है? कल वाले लेक्चर में मैंने आपको लास्ट पे कुछ बताने दिया था, कुछ चैटबॉट सिस्टम के बारे में बताया था, शायद आपको नहीं समझ लगी होगी। बेसिकली हमारी जो कंपनी है वो एक नई चीज़ लॉन्च करने जा रही है, उसको हम चैटबॉट सिस्टम बोलते हैं, ठीक है? व्हाट्सअप चैटबॉट सिस्टम, ऑटोमेटिक रोबोटिक सिस्टम, कि हम रोबोट के ज़रिए काम करेंगे जी। आपने कभी किसी ने टेकन 3 गेम खेली होगी? सेपरेट टू मैन की नहीं, सेपरेट खेलेंगे। एक साइड भी आप कंट्रोल कर रहे हो, एक साइड कंप्यूटर कंट्रोल कर रहा है, वो रोबोटिक कंट्रोल होता है। हम नहीं मारते, वो आपको मार देता है, आप हार भी जाते हैं, वो जीत भी जाते हैं, आप भी कभी जीत जाते हो, अच्छे प्लेयर हो जीत जाते हो, वो हार जाता है। तो मोस्टली या तो बंदा कंप्यूटर से कभी भी हार ही जाता है, ठीक है? तो वो रोबोटिक सिस्टम है, ऑटोमेटिकली वो आपके स्टेप को कॉपी करता है। जैसे आप ए प्रेस करते हो फार पंच के लिए, तो वो भी पंच के लिए ए प्रेस करते हो, वैसे चल उसके अंदर कमांडिंग होती है, और रोबोट सिस्टम सॉफ्टवेयर बना होता है, वो ऑटोमेटिकली कंट्रोल करता है, AI के जरिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए सारा कुछ कंट्रोल होता है ये वाला। इसी तरह ये व्हाट्सएप चैटबॉट सिस्टम है, ये भी एक AI की तरह काम करती है, एक रोबोटिक मशीन है हमारी, जो आपके किसी भी किस्म का आंसर आपको उसी वक्त व्हाट्सएप के ऊपर प्रोवाइड कर देगी। फॉर एग्जाम्पल, आप 9th क्लास के स्टूडेंट हैं, आप बोर्ड का रिजल्ट जानना चाहते हैं, जब हम आप हमारे साथ अटैच होंगे, आप किसी भी स्कूल के साथ अटैच होंगे, तो आप उसी स्कूल में रहते हुए आप जी पहले रोल नंबर चेक करते, इतना पता है आप लोगों को, हम पहले कैसे करते थे, चेक करते थे रोल नंबर जाके, फिर नेट पे जाना, सर्च करना करके हमें पिन नंबर पता चला हमारा ये रिजल्ट है। ये चैटबॉट से भी इतना ईजी और क्विकली फास्ट वे बना दिया उसने, गूगल से भी तेज़ समझो बना दिया। इसका ये मकसद है कि आप जी अपने चेक, पहले आप क्लास में एनरोल हो गए, एनरोल होने के बाद आप वो 1 2 प्रेस 1 2 प्रेस 1 2 में आपको आंसर देना होगा। आपने अगर चेक करना है 9th क्लास कलर, तो आप प्रेस 1 करेंगे, वो आपके पास पूछ लेगा कि बटन शो हो गया आपके पास वर्स और पे, ऑल्सो AI के जरिए उन्होंने बटन भी यार ऐड कर दिया, क्या तरीका है उनका, ठीक है? जब आप इसका सर्वे करेंगे ना पूरा, तो आपको इजीली सारी समझ आ जाएगी। और ये कुछ ऑर्गेनाइज जिन्होंने बिजनेस करना है, उन लोगों को तो बहुत अच्छी बात है उनके लिए, किसी ने अपना पे रन करना है, किसी ने अपने रियल स्टेट का काम करना है, कोई प्लॉटिंग सिस्टम है, सोसाइटी वगैरह काट रहे हैं, कोई चीज़ों के लिए वो बड़ा ईजी वे है चीज़ें, ठीक है? वैसे वेबसाइट का नाम बता देता हूँ, वही ऑटोमेट डॉट बी के सिस्टम, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक भी साथ दे दूँगा आपको, तो आप इजीली उसको देख सकते हैं, ठीक है? तो आप जी 9th क्लास के रिजल्ट पे जब बटन पे क्लिक करेंगे, तो आपको आगे आपका रोल नंबर पूछेगा, रोल नंबर ऐड करेंगे आप अपना, टाइप करके ओके करेंगे, साथ ही आपको उसी में ऑटोमेटिकली आपको रिजल्ट मिल जाएगा। 9th और 10th 11th जिस मर्जी क्लास में है, कोई मर्जी यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, जिस कॉलेज ने हमारी ये सर्विस बाई होगी, बाई की हो डिज़ायर है, तो वो हमारे उधर जाके लोग साइन अप करें, लॉग इन करें, पैकेज बाय करें, और हमारी सर्विस से इंजॉय करें। और तकरीबन 5,000 10,000 के टाइप के मैसेज होते हैं, मंथली भी होते हैं, ईयर भी होते हैं, आप इजीली उसको सेस करते हैं, ठीक है? जो कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम ऑपरेटर के बारे में बात कर रहे थे, कि हमारा जो मिसकलेस ऑपरेटर है, लॉजिकल ऑपरेटर है, जो एंड और नॉट इक्वल टू वगैरह के हम पढ़ रहे थे, ठीक है? लेकिन आज जो कल मैंने दो छोड़े थे ऑपरेटर, मैंने कहा चलो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा उसका इफ एल्स के साथ कंडीशन में बताऊँगा कैसे यूज़ करते हैं। इसमें मिसकलेनियस ऑपरेटर है, मतलब रेशो सीरीज नंबर, लाइक X10 है एक वैल्यू, इसकी सीरीज मैंने फाइंड करनी है जी, X लिखेंगे 1 2 10, ये सीरीज आ गई 1 से लेके 10 तक। अब वहाँ से 100 इन्फिनिटी 2 से जहाँ से स्टार्ट करनी है, वहाँ ये सीरीज ऑफ नंबर ड्रा करने का तरीका है आर स्टूडियो के अंदर, ठीक है? अब यहाँ पे एक ये हमारा जी एक वे है कि वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं, इसमें वेक्टर मतलब एक वैल्यू, अब ये तो दो वैल्यूज है, रेशो वाली वेक्टर नहीं है, फिर भी हम इसको रन करते हैं ज़बरदस्ती। उसने जी क्या किया जी, 10 फॉल्स ट्रू, मतलब 10 है, वाई के अंदर 10 है, एक्स के अंदर भी लास्ट में 10 है,
चल गया ट्रू या ट्रू कंडीशन ट्रू फैक्टर चल पे, ओके हो गया। अब बात कर रहे हैं हम इफ एल्स के ऊपर, जो आज का हमारा मेन टॉपिक है, इफ एल्स कैसे रन कोर्स चलाते हैं आर स्टूडियो के अंदर, ठीक है। उसके लिए हमने क्या करना है जी, आपको पता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप उठा लें, उसको देख लें, स्टडी कर लें, सबका इफ एल्स का सिंटैक्स सेम ही है। दो वैल्यू होने चाहिए, कंडीशन ऑपरेटर होना चाहिए, उस पर प्रिंट कंडीशन लगाने वाली बंदे को आना चाहिए, प्रिंट करके ऊपर कर देनी चाहिए। उसके लिए तो तीन चीज़ होती है इफ के अंदर, इफ एक होती है, एल्स इफ होती है, और एल्स पार्ट होता है। सबका सेपरेट सेपरेट बताऊंगा। अभी पहले हम इफ को लेके, हमारे पास इफ का ये है कि आपके पास कोई दो वैल्यू आप ले लिए, लाइक ए ले लिए जी 10, और जो बी ले लिया आपने जी 20 वैल्यू, ठीक हो गया। अब कंडीशन है इफ के अंदर जब लगाएंगे तो आपको ये पेरेंथेसिस लगानी पड़ेगी लास्ट में। अब इसके अंदर कंडीशन लगानी क्या, जो लॉजिकल कंडीशंस है हमारे पास, इज इक्वल टू, इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिक ऑपरेटर जो होते हैं एंड और नॉट, ये वाले ऑपरेटर यूज़ करते हैं। अब हम फॉर एग्जाम्पल पहला एक ही कर लेते हैं जी, बी ई ग्रेटर देन ए, ये कंडीशन बता रहा हूँ, ये कर ली, ये ब्रैकेट के अंदर हमेशा हम इसको ऐड करते हैं। यहाँ पे हम फंक्शन ऐड कर देते हैं जी, फंक्शन के अंदर ले लेते हैं जी बी इज ग्रेटर देन ए, चलो जिसको रन करते हैं जी हम, जी उसने बता दिया हाँ जी बी इज ग्रेटर देन ए, सबको पता 20 10 से बड़ा है, शो हो गया, कोई वैल्यू ले। अब जी एक और कंडीशन लेते, अब हम यूज़ कर इफ का पता चल गया ये चीज़ है, कंडीशन लगाते हैं इसके अंदर लेस देन ग्रेटर देन। अब हम इसके साथ एक और चीज़ ऐड कर देते हैं इसके बाहर, ये ब्रेसिस के पहले की, एज इफ हम चाहते हैं कि दो कंडीशन रन हो हमारी, हमें पता चले यार हमारी कंडीशन ये वाली है, तो हम क्या करें जी। उसने कहा जी एक न्यू वैल्यू ले लेते हैं जी, यहाँ पे सी ले लेते हैं हम, इसको 10 कर देते हैं, यहाँ पे आ जाओ जी। उसने क्या है जी ए इक्वल टू सी, इसकी ब्रैकेट लगा देते हैं, यहाँ पे प्रिंट का फंक्शन ऐड कर देते हैं जी हम, ऐड किया, यहाँ पे उसने क्या किया ए इज इक्वल टू सी, इसको भी रन करके देख लेते हैं हम। उसने कहा बी इज ग्रेटर देन ए, या ऐसे कर लेते हैं हम इसको भी 10 कर देते हैं जी, अब ए इक्वल टू हम बी कर देते हैं, ठीक है। अब रन करते हैं जैसे कौन सी चलती है, ठीक हो गया, इक्वल इक्वल कंडीशन, सेकंड कंडीशन ए इज इक्वल टू सी, हम यहाँ पे बी ऐड कर देते हैं, ठीक है। अब लास्ट पार्ट इसका जो रहता है एल्स पार्ट, एल्स होता है कि किसी भी चीज़ को वैल्यू गेट करके अगर दोनों नहीं रखे कंडीशन ली तो एक चलेगी, वो आपको शो कर देगा एल्स पार्ट में, प्रिंट कर देगा जी ए इज नॉट इक्वल टू, ठीक है। देख लीजिए अब क्या करता है जी, उसने कहा ये सारा उसे चला दिया, उसने तो गड़बड़ कर दी भाई। यहाँ पे हम जी सी वैल्यू अब लेते हैं, सी ले लीजिए, यहाँ पे जी हम भी ले लेते हैं 10 की वैल्यूज, हम कर देते हैं 20, बी ए, अब देखते हैं चला के क्या जवाब देता है जी, ठीक है। उसने बता दिया जी बी इज ग्रेटर देन ए, सही हो गया। अब जी यहाँ पे कर देते हैं हम सी, यहाँ पे बी कर देते हैं, अब रन करते हैं जी कौन सा जवाब देता है, देख लेते हैं इसको, ए इज इक्वल टू बी, ये भी उसने सही जवाब दे रहा है, हम यहाँ पे बी कर देते हैं। अब लास्ट पे चला दी उसने, अब ये दोनों कंडीशन गलत हो गए, थर्ड चला दी, ठीक है जी। तो गाइस पता चल गया आपको लॉजिकल ऑपरेटर का, ठीक हो गया ये इफ एल्स कंडीशन कैसे रन करते हैं।
इसको समझ, इजाजत दी, अल्लाह हाफिज़।